और ये जो चिट्ठी है ये केवल एक विभाग द्वारा ही चिट्ठी नहीं है बल्कि ये नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा की उपज है। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, ये अमानवीय है। हम गरीब के भूख को मिटाना चाहते हैं, हम गरीब के साथ खड़े हैं, श्रमिकों के साथ खड़े हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर जो सवाल उठा था उसको लेकर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आज राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाए, देख सकते हो किस तरीके से खुद सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं और उसके बाद सीढ़ी पर चढ़कर खुद से पोस्टर लगा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था जिसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, नेता प्रतिपक्ष ने उस आदेश को फाड़ दिया था और उसी चिट्ठी को पोस्टर के माध्यम से जारी कर और खुद पोस्टर लगा रहे हैं। देखिए ये जो चिट्ठी का जो डीएनए है इसमें खोट है। इस चिट्ठी में साफ तौर पे हम कह सकते हैं विश्वासघात है हर एक एक शब्दों में। इस चिट्ठी में पूरी तरीके से बेशर्मी है और ये जो चिट्ठी है ये केवल एक विभाग द्वारा ही चिट्ठी नहीं है बल्कि ये नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा की उपज है। ये चिट्ठी का एक एक वाक्य एक एक शब्द नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का उपज है। देखिए नीतीश कुमार जी के दो तरीके हैं काम करने के, एक पीठ पे खंजर भोंकना और दूसरा किसी और के कंधे से बंदूक चलाना। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, यह अमानवीय है और बिहार के लोगों का गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए जो सरकार के दिल में क्या है वो जो है सबके सामने आ गया, तो हमको लगता है कि जन जन तक इसको बताना पड़ेगा और आदरणीय नीतीश कुमार जी को आगे आकर के बिहार की जनता खास तौर पे जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिहार के हर एक गरीब से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सरकार ने तो मान ली ये गलती हुई है उनसे। सरकार देखिए इतनी बड़ी गलती, ये गलती ये मतलब कि ये चिट्ठी में आप लिख कैसे सकते हैं गलती मानने में जो है आप जो है 29 तारीख की चिट्ठी है आप पता नहीं कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कल ही जो है माफ़ी मांग रही है सरकार, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कितना टाइम लग गया इनको माफ़ी मांगने में और ये गलती कर कैसे सकते हैं। एक चिट्ठी अगर सर्कुलेट हुआ है तो आप देखिएगा 3-4 लेवल में वो चिट्ठी जो है गई है, 3-4 लेवल में वो गया है चिट्ठी, कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं उस चिट्ठी में और कोई ऐसी गलती कर भी कैसे सकता है, ये लिख भी कैसे सकता है। इसलिए कल हमको गुस्सा है और हमने चिट्ठी को फाड़ा। अब लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। कल जो है बीजेपी जो है अपने भूख को मिटाने के लिए अमित शाह रैली कर रहे हैं। बीजेपी और नीतीश जी की क्या भूख है, यही भूख है सत्ता का भूख है पावर का भूख है, वो उस भूख को मिटाना चाहते हैं। हम गरीब के भूख को मिटाना चाहते हैं, हम गरीब के साथ खड़े हैं, श्रमिकों के साथ खड़े हैं, श्रमवीर के साथ खड़े हैं, बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार जी आए आगे माफ़ी मांगने का काम करें। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि कल इन सभी मुद्दों को लेकर के प्रतिकार होगा और जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसके माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार से मांग किया जा रहा है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। और ये जो चिट्ठी है ये केवल एक विभाग द्वारा ही चिट्ठी नहीं है बल्कि ये नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा की उपज है। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, यह अमानवीय है। हम गरीब के भूख को मिटाना चाहते हैं, हम गरीब के साथ खड़े हैं, श्रमिकों के साथ खड़े हैं,